किसानों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन सबसे ज्यादा पेच एमएसपी पर फंस रहा है। किसान सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। जवाब में सरकार ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं धान पर एमएसपी पहले से है, कपास पर भी एमएसपी तय है, गन्ने का रेट पहले से ही काफी ज्यादा है। सरकार किसानों को समझाने में लगी हुई है और अब 2 दिन के बाद एक बार फिर बातचीत होगी। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने किसानों पर बल प्रयोग का मुद्दा उठाया था और कहा कि पुलिस शांतिपूर्वक हो रहे प्रोटेस्ट पर हमला कर रही है। आरोपों के जवाब में हरियाणा पुलिस ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कुछ उपद्रवी भी दिखाई दिए जो पत्थरबाजी कर रहे थे। सभी के चेहरे पर नकाब था। पुलिस को टारगेट करके ये पत्थरबाजी हो रही है। ये वीडियो शंभू बॉर्डर का है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 13 और 14 फरवरी का ही है। पुलिस तर्क दे रही है कि जब पुलिस पर हमले होंगे तो पुलिस के जवान तो बचाव करेंगे ही। उपद्रवियों के हमले में तकरीबन 25 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अब पत्थर चलाने वालों को आइडेंटिफाई करने में भी लगी हुई है और जनता से अपील की गई है कि वो उपद्रवियों की पहचान करने में मदद करें। वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी और